आपके चैनल के जरिए बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट, बहुत सारे समस्या, उन लोगों को भी जो भी फेस कर रहा है, एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल रहा है कि क्या क्या हो रहा है रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर में। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? सबको बेसिकली ये अपडेट लेने के लिए था कि क्या हुआ, मेरा बाइक का अभी तक रिसीव हुआ कि नहीं। जी नहीं, अभी तक मेरा बाइक मुझे रिसीव नहीं हुआ। बट हाँ, अपडेट ये है कि रॉयल एनफील्ड से कॉल आया था मेरे को, मेरा बाइक जो है डिपो में आ गया है, तो विद इन 4 और 5 डेज आज के यहाँ से लेके मेरा बाइक शायद मेरे पास आ जाएगा। कैसे मेरे को मेरा बाइक मिला, ये एक लंबा स्टोरी है, आप लोगों के साथ जरूर हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्वियसली आएगा कुछ धमाकेदार डिलीवरी वीडियो या फिर ऐसा ही कुछ, अभी तक कोई प्लान नहीं किया लेकिन हाँ करेंगे। बट आज का जो वीडियो है, मेरा एक ब्रदर को सेम इशू हुआ है, सेम जैसा हम फेस किए उसी टाइप का इशू वो फेस कर रहा है। उसको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से सही अपडेट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए उसके साथ आज हम एक वीडियो किए जिससे शायद रॉयल एनफील्ड तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसमें कोई मतलब स्टेप ले, कि ऐसा सब कोई कस्टमर के साथ हो रहा है, मैक्सिमम कस्टमर ये इशू फेस करे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बाकी चलो एक बार सुन लेते उनका क्या कहना है, चलो एक बार आगे वीडियो में सुन लेते पूरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राज, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। आपके चैनल के जरिए बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट, बहुत सारे समस्या, उन लोगों को भी जो भी फेस कर रहा है, एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल रहा है कि क्या क्या हो रहा है रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर में। बहुत सारी चीजें ऐसे है जो लोग शायद कुछ भी फेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी हेल्प होगा कि चलो कैसे हम लोग बाइक को पा सके फाइनली। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि इधर बस बाइक बुक कर देना सब कुछ नहीं होता। इधर बाइक बुक कर देने के बाद असली टेंशन शुरू होता है कि कब मिलेगा कब मिलेगा करके। 1 महीना 2 महीना हम लोग पेशेंस रखते हैं, पर उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा सबर का भी इम्तिहान हो जाता है। या थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। राज मेरे को एक चीज बताइए, आपका बाइक बुक कब किया हुआ था? मेरा व्हीकल का बुकिंग डेट था सितंबर 4 को, मतलब मैं उससे पहले ही बुक कर चुका था, तो नॉर्मल बुकिंग था। पर मैंने उन लोगों को बोला था कि मैं शायद कस्टमाइज बुकिंग के लिए जाऊंगा, तो मैंने सितंबर 4 को फाइनली जाके उसको कस्टमाइज बुकिंग में कन्वर्ट करवाया नॉर्मल बुकिंग को। नॉर्मल बुकिंग को आपको भी पता है कि इजीली कैंसिल कर सकते हैं, उसके कोई मुद्दा नहीं है, हाँ, पर कस्टमर नॉर्मल बुकिंग को हम बुकिंग कैंसिल नहीं मतलब कर सकते। अब नॉर्मल सितंबर फोर्थ को मैंने नॉर्मल बुकिंग मैंने किया था 1 सितंबर को शायद, और उसको मैंने कैंसिल करके सितंबर 4 को कस्टम बुकिंग करवाया था। ओके, तो आप मतलब क्यों कस्टम बुकिंग में क्यों गए, जैसे आपको नॉर्मल बुकिंग एक्चुअली करना? मुझे लगा था, क्या है, मुझे मतलब कुछ ऐसे चीजें एक्सेसरीज लेना था जो मुझे लगा कि अगर मैं कस्टम बुकिंग में लूंगा तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ओके जैसे व्हील वगैरह ऐसे कुछ चीजों के लिए मैंने सोचा कि चलो कस्टम बुकिंग करवा लेते हैं। नेम बैच के लिए भी सभी का एक एडिक्शन होता है कि लगता है कि नेम बैच उधर मिलेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कस्टम बुकिंग की तरफ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत स्पेशल लगेगा बाइक को। तो मतलब अभी आपको क्या इशू फेस हो रहा है? इशू मतलब जो बहुत ज्यादा गंदा इशू है वो है डिले का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मेरा व्हीकल का लास्ट, मैं बहुत ज्यादा पहले तो डिले हुआ था, प्रोडक्शन में डिले हुआ था, सेमीकंडक्टर चिप का इशू बता के डिले हुआ था। मैंने मान लिया था चलो वो तो किसी का हाथ में नहीं होगा, चलो ठीक है। पर जब फाइनली मुझे बता दिया गया कि आपका बाइक का मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, तो मुझे लगा चलो अब तो जल्द से जल्द चला जाएगा, बाइक मेरे पास मिल जाएगा। फिर मुझे मेरा पीडीआई नहीं हो रहा था, फिर बोल बोल के जान जान के मुझे कल करीब उसके मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट के 10-12 दिन बाद मुझे बोला गया कि आपका व्हीकल का पीडीआई कंप्लीट हो चुका है। फिर मुझे लगा चलो अब तो निकल जाएगा। तो वो जो पीडीआई कंप्लीट का मुझे जो मिला था इन्फॉर्मेशन, वो मिला था लगभग लगभग अभी 1 महीना होने जा रहा है पीडीआई कंप्लीट होने का इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। तो आप सोचिए, जिस व्हीकल का पीडीआई कंप्लीट हो चुका है उसका तो सेमी कंडक्टर उन लोग बोल नहीं पाएंगे, तो अब इशू क्या है? पर उधर ट्रांसिट में नहीं दिखा रहा है। तो मैंने सोचा चलो, मैंने बहुत ज्यादा वेट किया, फिर भी जब नहीं दिखाया तो मैंने सोचा चलो कंप्लेंट करते हैं। तो मैंने कंप्लेंट किया था आज से 17-18 दिन पहले शायद। उस कंप्लेंट में मुझे को बताया गया कि रिमार्क्स में कि मेरा बाइक जो है ट्रांसिट में है। तो उन लोगों ने कस्टमर केयर ने बताया कि सर नॉर्मली तो आपका बाइक का स्टेटस दिखा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाता है जब तक वो स्टेट डिपो में नहीं आ जाता, तो दिखा रहा है पीडीआई तो बहुत दिन कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी दिखा रहा है कि कंप्लेंट का रिमार्क्स में ट्रांसिट में है। तो मैंने सोचा मैं तो खुश हो गया कि चलो अभी ट्रांजिट में है तो मुझे मिल जाएगा बाइक। फिर अभी 17-18 दिन हो गया वो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। बीच में और एक बार मैंने कंप्लेंट किया था, उसके भी रिमार्क्स में मुझे बोला गया कि व्हीकल ट्रांजिट में है। मुझे पता नहीं है तो कंपनी ऐसा इन्फॉर्मेशन क्यों देता है, शायद टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है पता नहीं, पर ऐसा फेक इन्फॉर्मेशन देना नहीं देना चाहिए ना किसी को भी। लोग एक
फिर एक होप क्रिएट करेगा कि चलो जल्द से जल्द मुझे मिल जाएगा मिल जाएगा। फिर उन लोगों को पता चलेगा कि नहीं भाई अभी ट्रांजिट ट्रांजिट बोल के भी इतना दिन चल रहा है। तो आप शोरूम पे पता किए थे उसका स्टेटस क्या है? शोरूम वाले भी वही बोल रहे हैं कि ट्रांजिट में है एक्चुअली। एटलीस्ट मुझे एटलीस्ट लगा कि जब चीज हो रहा है स्पेशली मैं जब कस्टम बुकिंग कर रहा हूँ तो ये चीज कंपनी को भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि चलो जब बंदे का इतना डिले हो रहा है तो कोई सीनियर सेल्स पर्सन आके कोई सीनियर आके बात करे हम लोगों को, क्योंकि कस्टम बुकिंग है तो कस्टम बुकिंग तो कंपनी से आता है डायरेक्ट, तो शोरूम तो हमें तभी बाइक दे पाएगा जब शोरूम तक बाइक पहुंच जाएगा ना। तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता था कि जब इतना डिले हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा मेल किया है बहुत ज्यादा कॉल किया इवन इतना ज्यादा कॉल किया हर एक बंदे का मुझे नाम पता है, आपको भी शायद पता होगा प्रताप सलीम सभी का नाम पता होगा, तो अभी सबका नाम पता है फिर भी व्हीकल नहीं मिल रहा है सर। और अभी सबसे ज्यादा डाउट इस बात का है मैं वेट करूं तो कितना करूं सर, ट्रांजिट बोल के मेरा 16-17 दिन हो चुका है अभी, क्या मतलब और 10-15 दिन एक महीना ऐसे चलता रहे? इतना तो ट्रांजिट में नहीं लगता है सबको पता है ना सर। एग्जैक्टली देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है रॉयल एनफील्ड के साथ, आपको भी पता है शायद हम 2-3 वीडियो बनाए इसके ऊपर, उसके बाद रॉयल एनफील्ड का सीनियर टीम से मेरे को कॉल आया ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ द वीडियो। देन सी बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ माई बाइक, मतलब वो बाइक का पूरा टेक केयर किए थे, वो बहुत प्रोसेस से बहुत मेल करके, इसको पता नहीं उन लोगों का इंटरनली क्या गलती था तो वो करके अभी जो मेरा स्टेटस है मेरा बाइक अभी मतलब कोलकाता पहुंच गया है जो इसका डिपो है, अब वहां से 3-4 दिन में तो ये बेसिकली मेरा अपडेट है। अब पता नहीं इसके ऊपर आगे क्या होता है, अगर ये एक्चुअल है कि नहीं ये भी मेरे को पता नहीं, जब तक बाइक हाथ में नहीं आता तब तक कुछ हम कमिट नहीं कर सकते। बहुत देने को ऐसा सीन हो रहा है कि मतलब शोरूम से कॉल किया जा रहा है बाइक आ गया, फिर शोरूम जाके पता चल रहा है कि नहीं वो आपका बाइक नहीं है कोई दूसरे का बाइक है, इस टाइप का एक्सपीरियंस जो है मतलब मेरे को सुनने में आया, तो इसीलिए हम अभी उसको कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे, इसलिए हम अभी तक कोई वीडियो नहीं डाले थे रिलेटेड टू दैट मेरा बाइक मिला। इवन बहुत सारा कमेंट भी आया था कि आपको बाइक रिसीव हुआ या फिर कैंसिल कर दो डोमिनर ले लो कुछ दूसरा बाइक सजेस्ट कर रहा है, मतलब सबसे तो ये रॉयल एनफील्ड का एक मेन चीज है कि कस्टमर सपोर्ट में वो लोग कहीं ना कहीं पीछे पड़ गया दूसरा कोई कंपनी से अगर लिया जाए तो, जैसे कि आपका और मेरा प्रॉब्लम काइंड ऑफ सेम है इसलिए शायद आपको हम आज वीडियो के लिए इन्वाइट किए। क्या है कि मतलब जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो तब कोई बनता ही नहीं है कि आपका मतलब सेमीकंडक्टर चिप का शॉर्टेज की वजह से या फिर यही चीज है उसके एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं करना चाहिए। हाँ और सेकेंडली मतलब मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अगर ट्रांजिट में है 15 दिन के अंदर बाइक आ जाना चाहिए, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है आगे से कि अभी उन लोगों का वेंडर चेंज हुआ है आफ्टर लॉकडाउन और ये, तो इसमें थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा है, इवन बाइक जो आ रहा है ना वो मतलब कहीं कहीं ना कहीं हॉल्ट हॉल्ट होते हुए आ रहा है, लाइक दो पार्ट हो रहा है, एक मान के चलिए कि बंगाल पे आ रहा है तो उड़ीसा में एक बार हॉल्ट कर रहा है फिर जाके बंगाल में आके गाड़ी ये हो रहा है। और एट ए सेम टाइम जो मेरे को पता चला है इंटरनली वो आपका जैसे कि अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो इसलिए जो गाड़ी का डिलीवरी आपका 6-7 दिन में होता था तो वो मतलब अप टू 12-13 डेज तक लग रहा है आने में। अब ये आपका केस क्या है मतलब इंटरनली ऑब्वियसली अब ये रॉयल एनफील्ड वालों को ज्यादा पता होगा, फिर भी इसके ऊपर हम यही चीज है सर एटलीस्ट रॉयल एनफील्ड वालों को ज्यादा पता होगा तो उन लोगों की तरफ से कोई किसी को सामने आना चाहिए ताकि कस्टमर को पर्टिकुलरली डील कर सके, क्योंकि अगर एक व्हीकल के एक आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वो पैशनेट है इतना ज्यादा व्हीकल के लिए तो एटलीस्ट उनको तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। सपोज मैं अगर ट्रांजिट में कह के मेरा 15-16 दिन से ज्यादा हो चुका है तो एटलीस्ट अभी बाइक का करंट स्टेटस क्या है एटलीस्ट अगर वो लोग मुझे बता पाता तो मुझे भी खुशी होता कि चलो आज से 10 दिन बाद 12 दिन बाद मुझे एटलीस्ट बाइक मिल जाएगा, फिर तो 1 महीने हो जा रहा है टोटल ट्रांजिट में बोल के, फिर भी मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट अगर मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिले कि चलो आज से इतना दिन वेट कर लो तो आपको फाइनली मिलेगा, पर उसका भी तो कोई सियोरिटी नहीं है सर। और वो लोग जो उधर बैठा रहता है कस्टमर केयर में उन लोगों को खुद कुछ नहीं पता होता, वो लोग आपसे बस यही कहेंगे निश्चिंत रहिए आपको जल्द से जल्द डिलीवरी किया जाएगा, मुझे आज से 2 महीना पहले भी यही बोला गया 1.5 महीना पहले भी यही बोला गया 1 महीना पहले भी यही बोला गया, पर व्हीकल मिलता नहीं है सर। एटलीस्ट आपके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज कि आपको व्हीकल मिलने जा रहा है शायद, तो अगर ऐसा ही कोई मेरा इस वीडियो को देख के कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि चलो आपको कॉन्टेक्ट करके आपके प्रॉब्लम को समझ के आपको करंट स्टेटस के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि आपका व्हीकल इधर है इतना दिन लगेगा 5 दिन 10 दिन 15 दिन कुछ भी लगे, पर एटलीस्ट एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन तो मिले, हर बार फेक इन्फॉर्मेशन से बंदा पक जाता है कोई भी हो मेरे जगह में। अच्छा हम एक आपको एश्योर कर रहे हैं ये वीडियो को मेरा जो सीनियर टीम से बात हुआ है उससे हम एक बार पहुंचाने का कोशिश करेंगे,
शायद इससे आपका हेल्प हो, आपका बाइक का एटलीस्ट स्टेटस पता चले, कब डिलीवरी मिले। ये तो मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल पर्सन है, हम लोग के हाथ में नहीं है, इवन कंपनी का पर्सन के पास भी नहीं रहेगा, लेकिन उन लोग को पता चले आप ये प्रॉब्लम फेस करो, मे भी वो लोग उठ के, ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड का जो भी सपोर्ट, सीनियर सपोर्ट टीम है, उसके पास ना ये न्यूज़ पहुंचता नहीं है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो भी कंप्लेन वगैरह करते हो, इवन हाईलाइट भी करते हो ना, हाईलाइट उधर ही रहता है। ये अगर मतलब सीनियर टीम के पास पहुंचता है तो सीनियर टीम इस पे जो है मतलब कुछ सोल्यूशन निकालता है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंचता नहीं। ये मेन प्रॉब्लम है रॉयल एनफील्ड का, जो हम मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हालांकि अभी जो है मतलब कोई सीनियर टीम से मेरा अभी बात चल रहा है, तो इस रिलेटेड हम उसको ये ऑब्वियसली वीडियो को भेजेंगे और इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे, देखते हैं आपका इसमें क्या मदद होता है। मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे मौका मिला है आपके चैनल के थ्रू सीनियर टीम्स के साथ पहुंचने का। मैं अगर मेरा व्हीकल जल्द से डिलीवर हो जाता है तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं पूरा आपके चैनल में आकर शेयर करूंगा कि कैसे कितना थैंक्स दिन बाद थैंक्स मुझको व्हीकल मिला, क्या सब हुआ, सारी शेयर करूंगा ताकि बाकियों के पास भी ये जानकारी पहुंचे कि एक नॉर्मल कस्टमर को कैसे एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद व्हीकल मिलता है, ताकि सब इस बारे में अवेयर हो सके। जो हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे सभी को अवेयरनेस मिले मैं चाहूंगा। थैंक्स और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8617045002, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो कोई भी अगर रॉयल एनफील्ड से देख रहा है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करके इस बारे में बात कर सकता है कि डिले हो रहा है तो ठीक है, पर कितना दिन, एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिले कस्टमर को। ओके, जरूर। मतलब ये वीडियो को हम लोग बहुत जल्दी रॉयल एनफील्ड तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक आपको अपडेट मिलता है, और ऑब्वियसली कोई अगर अपडेट मिले तो ऑब्वियसली एक बार हम लोग को नॉकडाउन कीजिए कि हाँ मुझे कॉल आया था। ऑब्वियसली मैं करूंगा, क्योंकि सोचिए मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ एक व्हीकल के लिए, और हर बार लास्ट, खास करके लास्ट 1-1.5 महीना जब से मेरा व्हीकल का प्रोडक्शन हो चुका है, और उसके बाद से इतना सबर नहीं होता सर। मेरे जगह में कोई और भी होता तो उसे भी तकलीफ होता। इस चीज को समझना चाहिए, एटलीस्ट जिन लोगों का इतना डिले हो रहा है उनको अगर कोई सीनियर सेल्स पर्सन आके, कोई सीनियर हेड आके अगर उनसे बात करते, उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज देते, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, चलो इतना डिले हुआ है और 10 दिन 12 दिन कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले सर, यही चीज है। ओके, बाकी थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मैं सभी द। सब्सक्राइबर को कहना चाहता हूँ प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मेरा व्हीकल का जो जर्नी है वो भी आपको दिखने को मिलेगा, तो कितना दिन और लगता है, क्या होता है, फुल प्रोसेस इस चैनल में मिलेगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इतना डिले के बाद कैसे क्या होता है, कितना दिन में मिलता है। सभी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम मैन, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।